डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण, गरीबों को बांटे कंबल और ठंड के चलते स्कूलों का टाइम भी बदला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डीएम मेधा रूपम ने देर रात रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर रैन बसेरों का और अलाव के इंतजाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए। उन्होंने रैन बसेरा में विश्राम कर रहे मुसाफिरों से उनका हाल जाना और जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। डीएम मेधा रूपम के साथ हापुड़ के एडीएम और एसडीएम भी साथ ही मौजूद थे। डीएम ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। डीएम ने शीतलहर के चलते हापुड़ जनपद के इंटर तक के समस्त स्कूलों का टाइम भी बदल दिया है। स्कूलों का समय अब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से प्रमुख चौराहों पर अलाव के इंतजाम भी किए गए हैं। डीएम मेधा रूपम ने बताया कि जगह जगह हमने अलाव की व्यवस्था की है और रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। मैम, ठंड के प्रकोप को देखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई इस बार? इस बार हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस बार जो ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, उसमें जितना हो सके हम लोगों का सहयोग करें। जगह जगह पे हमारी अलावे चल रही हैं और साथ में रैन बसेरे में हम लोग पूरा महिलाओं का सेक्शन अलग है। अभी वहाँ पे हमने एडीएम साहब और एसडीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन किया है, वहाँ और डिमांड है कि हम उसकी क्षमता बढ़ाएँ। एक तो उसकी क्षमता बढ़ाएंगे, वहाँ पे पीने के पानी की भी व्यवस्था है और शौचालय की भी पूरी व्यवस्था है। और इसमें पूरा हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो महिलाएं रुकी उनकी भी सिक्योरिटी हो, साथ में जो पुरुष खड़े हैं उनके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हापुड़ से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।